तो तुमने जब उसे बताया तो फिर वो ना मतलब अलग हो गया मुझसे, उसको मैंने बताया ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल चिक चिक बूम फायर में। मैं हूँ आपकी अपनी सिमरन। ये है मिस्टर मिस्टर मिसेस दीवान से दीपांशु दीवान। ये आज मेरे साथ करने वाले कपल फाइटिंग, वैसे करते ही रहते हैं। ये क्या बुत बन बोलना, मैं तुम्हारे मार दूंगी कसम से, समझे? यहाँ पे नहीं करनी कपल फाइटिंग, पब्लिक के बीच में करनी है। तो आज यहाँ पार्क में बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई, बहुत सारे लोग हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, सब पार्क में आते हैं धूप वूप के लिए। तो आज हम जाने वाले कपल फाइटिंग करने हैं। तो जल्दी से उठो, उठा के लेके जाओ, मैं ऐसे नहीं जाता। तुम उठने वाले हो मुझसे? चलो यहाँ से, बेचारा। कैमरा दूर से लगाइए, समझा? कहीं देखा मारूंगी बहुत तेरे को पकड़ के मैं। सर कोई बुला लिया करो। हाँ जी, 10 मिनट के लिए आप बैठ जाओ मेरे साथ। आपसे कुछ 10 मिनट के लिए बैठ जाओ मतलब? आपसे एक हेल्प, मैं एक्चुअली शूट, हम ना देखो वो कैमरा लगाओ, हम शूट ही करने जा रहे हैं। प्लीज आपसे जरूरी काम है। काम है? हाँ, आपका सिमरन नाम है ना? हाँ हाँ, आपको मैंने यूट्यूब पे देखा है। हाँ देखो, होगा वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ ना यूट्यूब। इनको भी बुला लेती हूँ। नहीं, बात आपसे करनी है ना, तो उनको क्या करोगे बुला के? आप क्या उनको भेज दो ना प्लीज यार। 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट बात कर। हाँ हाँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, तुम बैठ जाओ जब तक, 5 मिनट में आ रही हूँ बस। एक्चुअली वो क्या था ना, मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो देखी थी। अच्छा हाँ, तो हेल्प क्या? हाँ सिमरन नाम है, क्या हेल्प चाहिए तुम? वो देखो एक लड़का था। अच्छा हाँ, वो मेरे मतलब बचपन से है मेरे साथ। बचपन से उसने मुझे बहुत केयर करी, मेरे साथ रहा, ठीक है। और फिर हम 2 साल मतलब रिलेशनशिप में रहे। 2 साल? हाँ। अच्छा, 2 साल रिलेशनशिप में रहे। तो उसने मतलब वो बोल रहा था कि मतलब जाना, मतलब रिलेशनशिप। तो इसमें मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? एक्चुअली वो थी, आप मतलब सिमरन हो ना? हाँ हाँ सिमरन हूँ मैं। हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब मेरे को ना जेंडर चेंज करवाना था। आई एम मतलब जेंडर चेंज करवाना था मतलब, मेरे को समझ ही नहीं। मैं मतलब सर्जरी करवानी थी मुझे, मेरे को पैसों की नीड है। तो मेरे पे अभी फिलहाल पैसे नहीं है, तो इसलिए मुझे जेंडर चेंज करवाना था। तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? हेल्प कर दूँ? इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं होंगे, और तुम्हें जेंडर चेंज करवाने ही क्यों है? और वो ना थे एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड था। अच्छा हाँ, तो मतलब वो उसको पता है, मतलब मैंने बता दिया था। अच्छा, कि मेरे को मतलब मेरे को ऐसे ऐसे, मैं फीमेल हूँ। तुम फीमेल हो? हाँ। अच्छा, तो इसलिए मुझे मतलब जेंडर चेंज करवाना था। तो मेरी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा, तो सोचा कि आपको बुला है। कोई हेल्प नहीं कर रहा? तुम रहती कहाँ हो? मैं तो दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहती हूँ। लक्ष्मी नगर में? तो घर में कौन कौन है? घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है? मम्मी पापा कहाँ रहते? अकेली हूँ एक्चुअली, मम्मी और पापा की एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा हाँ, बचपन। तुम्हारी फैमिली वैमिली कोई भी नहीं? चाचा ताई तो कोई भी नहीं है? फैमिली वैमिली में कोई नहीं है, बस वो है और मैं हूँ। वो कौन? मतलब बॉयफ्रेंड मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो तुम क्या लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो? हाँ लिविंग। तो फिर छोड़ के कैसे, और लिविंग रिलेशनशिप में तुम कितने साल से? मैं 2 साल से। 2 साल से अब पता चला उसको तुम फीमेल हो? हाँ। वो कैसे? मैंने अब बताया ना उसको, मैं मतलब बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं क्या, तुम 2 साल में कभी तुम उसे पता नहीं चला ये कैसे हुआ? नहीं मैंने उसको अब भी बताया ना, बात ही है। अगर वो यार बताया ना हो, या उससे तो पता चल, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, तो ऑब्वियस सी बात है, उससे तो पता चल ही जाता तुम फीमेल के लिए बोल रहा था वो मुझे। अच्छा हाँ, तो फिजिकल के लिए बोल रहा था, तो मैंने उसको मना कर दिया था कि मुझे तेरे साथ फिजिकल नहीं करना अभी। तो वो मान गया? हाँ वो मान गया। फिर उसने बोला था कि शादी के बाद, तो मैंने बोला शादी के बाद यार चल देख लेंगे, बता दूंगी मैं तेरे को। यार ये तो तुम कैसे बोल सकते हो यार, शादी के बाद सोच रही हो? शादी के बाद मतलब तो कोई भी सोचेगा क्या, उसमें सोचना क्या था? मेरे को लगा कि वो शायद मेरी है मतलब समझे। अच्छा हाँ, मेरी बात समझने की कोशिश करे, तो मुझे लग रहा था वो समझने की कोशिश करेगा, और अगर हो सकता है तो वो जेंडर चेंज करवा सकता है।
ये बात थी। तो मतलब तुमने जब उसे बताया तो फिर वो ना मतलब अलग हो गया मुझसे, उसको मैंने बताया ना, मतलब इतना तुम कह रहे हो इतना अंडरस्टैंडिंग है वो कि तुम्हारे 2 साल तक मान गया था ना कुछ बिना कुछ करे मेरे। जब उसने शादी की बात घर में बताई ना हाँ। तो मैं बहुत अफसोस में पड़ गई कि ये बंदा तो मतलब शादी की बात बात बता रहा है घर में, तो ये सब तो हो नहीं सकता, देखो आपको पता ही है। तो इसलिए आपको तुमने सोचा कि पता चलेगा शादी के बाद तो पहले बताऊँ है। हाँ हाँ शादी के बाद, और फिर इसलिए वो बंदा ना फिर मुझे छोड़ के चला गया, मतलब फिर उसने मेरे को केयर नहीं करी, मैंने उसको बहुत बोला। मम्मी पापा के जाने के बाद मतलब मम्मी पापा के जाने के बाद देखो मैं अकेली पड़ गई घर में, ठीक है। वो बंदा मेरी केयर करता था जब हम साथ रिलेशनशिप में आए थे, वैसे बचपन से रह रहा था, बचपन से उसने भी देखा मैंने भी देखा, सब कुछ सब ठीक चल रहा था। मैंने उसको बोला था रिलेशनशिप में आने के लिए, फिर बाद में ये कहानी बन रही है। अब बताओ आप मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। अब ये बता दो आप मुझसे क्या हेल्प चाहते हो। मुझे अपना जेंडर चेंज करवाना है ना यार। देखो तुम्हें जेंडर चेंज करवाना है, तुम्हारी सर्जरी कुछ भी होगी, देखो मैं ना तुम्हारे घर वाला कोई है नहीं, ना परिवार में कोई है, मैं इतना बड़ा रिस्क अपने उस पर कैसे ले सकती हूँ, तुम खुद सोचो। और तुम्हारा जेंडर चेंज करवाना यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे पास तो अभी पता है इतने पैसे भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है सर्जरी में कितने, तुमने कहीं से पूछ पता किया सर्जरी में क्या लगे क्या नहीं। एक्चुअली मुझे पता नहीं है, अगर मेरी सर्जरी नहीं हुई ना मैं उसको खो दूंगी। बताओ मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक बार बात तो करो तुम दोनों आपस में, उसे समझाने की कोशिश, जब इतना अंडरस्टैंडिंग इतना केयरिंग है तो क्या पता समझे वो तुम्हें। मुझसे बात नहीं करना चाह रहा ना, ये बात है। जब वो बंदा इतना समझ रहा है ना, मेरे को लग रहा है उसकी फैमिली इशू जरूर होगा कि उसने अपनी फैमिली में बता दिया। फैमिली इशू भी बहुत बड़ा हो, क्या पता फैमिली की वजह से वो इतना वो कर रहा हो। अगर वो इतना प्यार करता तो एकदम से तो छोड़ के नहीं जाता, जिस हिसाब से तुम मुझे बता रही हो तो एकदम से तो छोड़ के नहीं जाता, ज़रूर उसका फैमिली इशू या कुछ होगा। तो उसे एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, फ़ोन करो उससे बात करो, उसे मिलने के लिए बुलाओ। ठीक है एक बार मिलने के लिए आ सकता है, अगर वो आता है ना मिलने के लिए तो मैं उससे बात करूँगी। या तो तुम अभी ऐसा करो, सुनो मिलने के लिए आ जाएगा वो, मैं मतलब फ़ोन करके उसको बुला लूँगी यहाँ पे। एज अ फ्रेंड तो बात कर ही रहा होगा तुमसे ना, थोड़ा बात तो कर ही रहा होगा। तो बात कर रहा है पर वैसी बात नहीं कर रहा ना, बात ये है। कोई नहीं तुम टेंशन मत लो, देखो सर्जरी का मैं एक बार पूछूंगी ज़रूर अपने, मैं क्योंकि अपने अकेले तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे को भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तुम्हें कुछ हो गया कल को, किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम होगी तो बात मेरे पे आएगी कुछ कि मैंने ऐसा कुछ किया, तो मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो मैं तुम्हें ऐसा है कि मेरा ऑफिस चल लो पास में, मैं एक बार बात करती हूँ और बाकी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करते हैं, कॉल करके लेना उनसे, मैं बात करूँ। हाँ आप बात कर लो, देखो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरा समझाऊँगी, पूरी बात करूँगी, अगर वो मानता है तो, बाकी तुम पे डिपेंड करता है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। तुम चलो परेशान मत हो, ठीक है, कोई परेशान वाली कोई बात नहीं है, ठीक है चलो तुम मेरे साथ चलो, पहले मैं तुम्हें ऑफिस ही लेके चलती हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है।